गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी मैं जा रहता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ उस गांव का आपको मैं दृश्य दिखाऊंगा। ये जो आगे जो रोड है ना, आपको दिखा दूंगा अभी, वो मेन भारतमाला रोड से कम 5 किलोमीटर साइड के अंदर है। और आगे जाएगी ये डेली तलाई, वहाँ से कोलाइज से आगे फिर जयपुर जोधपुर जोधपुर के लिए। ये जो रोड है इधर से आ रही है, इधर भारतमाला से, और वो भारतमाला से दीपिका चले जाएगी उधर आगे। और ये जो रोड है जो ये जाएगी यहाँ से है मकेरी से डेली तलाई से जोधा सर 820 860 837 फिर बज्जू कोलाइत, ये जाती है रोड। और ये बस स्टैंड है गांव का, ये एक ट्रेलर की दुकान है यहाँ पे, गाँव से कुछ इस तरह से ही है गाँव। ये दो बंदे चल के आए हैं और वो सामने जो देख रहे हो ना, बाकी सोसाइटी है यहाँ पे, खाद भी स्प्रे मिलता है सरकार द्वारा। ये देखो, ये बस बच्चों के लिए पानी पीने के लिए मैंने बांधे हैं, एक वहाँ पे बंद रखा है, एक इधर बंद रखा है, इधर बंद रखा है। सामने परचून की दुकान है, ये तो टावर आ गया, आज को टावर के अंदर गड़बड़ी हो गई, इसलिए ठीक करने के लिए आए हैं। वो देखो वो खड़े आदमी तो आगे दिख रहे हैं आपको, आगे फिर मस्जिद आ जाएगी, वहाँ पे डीपी लगी हुई है टावर के लिए अलग। और सामने घर है कोटवाड़ों से का, गाँव का दर्शन खत्म हो रहा है, गाँव का दर्शन इधर है। बादलों के अंदर देखो सूरज देवता के छिपे हैं। बारिश होने के बाद आज गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन तो गाइस पहले 2 दिन की खतरनाक गर्मी थी, इतनी खतरनाक गर्मी, कुछ बहुत खतरनाक गर्मी थी। ये देखो रात को इतना तूफान आया था, देखो ये चौकी पूरी पूरी मिट्टी से भर गई, इधर आगे देखो ये पहले कम से कम बहुत ऊंची थी। चारण और राजपूत, से राजपूत और चारण वहाँ इधर रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, मेघवाल रहते हैं, आगे रहते हैं यहाँ पे मुसलमान भाई लोग। और भाई मुमताज ये देखो कैंपर लेके जा रहे हैं मेरे दोस्त, किसी की भी शादी हुई थी, और ये भवन आ गया सरकारी। गाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, धन्यवाद गाइज, कुछ सपोर्ट करो यार। आज कम से कम 5 साल हो गए इस यूट्यूब चैनल में, नहीं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए यार, 300-400 भी इतना टाइम पूरा हो गया लोगों के, हो जाता है यार 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर। क्या मैं इतनी बुरी कोई वीडियो बनाता हूँ? जैसे आप सपोर्ट करोगे उस हिसाब से धीरे धीरे चेंजिंग होगी, क्योंकि अभी मेरे को एडिटिंग करनी आती है।